वेब सीरीज की शूटिंग के लिए 92 लोग लखनऊ, मुंबई से लखनऊ पहुंचे लोगों को क्वारंटीन किया गया है। यानी मुंबई से ये लोग लखनऊ पहुंचे थे, इन्हें क्वारंटीन किया गया है। खबर ये है, पूरी खबर समझिए। वेब सीरीज की शूटिंग के लिए 92 लोग मुंबई से लखनऊ पहुंचे, इन्हें क्वारंटीन किया गया। एसआर ग्रैंड में रुकी टीम के 5 सदस्य पॉजिटिव मिले, शूटिंग का कार्य रोककर सभी को क्वारंटीन किया गया। होटल एसआर ग्रैंड चारबाग में 41 सदस्य रुके हुए हैं। होटल मिलेनियम रेजिडेंसी में 19 लोग रुके हैं। गोमती नगर स्थित होटल हिल्टन में 32 लोगों की टीम रुकी हुई है। इन सभी लोगों को क्वारंटीन किया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 सदस्य पॉजिटिव पाए गए हैं, इसीलिए इन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। इन बाकी सदस्यों को, 92 लोग मुंबई से लखनऊ आए थे एक वेब सीरीज की शूटिंग के दौरान, और इन सभी को क्वारंटीन किया गया है। अनूप कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, आगे की जानकारी विस्तार से वही देंगे। अनूप बताइए। ठीक है, बिल्कुल, ये वेब सीरीज की शूटिंग होनी थी जिसमें बताया जा रहा है कि 92 लोग जो है वो मुंबई महाराष्ट्र शूटिंग के लिए लखनऊ पहुंचे थे। लोग जो है वो चलिए संपर्क हो नहीं पाया अनूप से, आगे बढ़ते हैं। बहरहाल 5 सदस्यों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद इन सभी को क्वारंटीन कर लिया गया है। एक वेब सीरीज की शूटिंग के लिए लोग आए थे, इन सभी को क्वारंटीन कर लिया गया है। चूंकि 5 सदस्य पॉजिटिव पाए गए हैं, इसमें जिमी शेरगिल मुख्य अभिनेता है इस वेब सीरीज में। अनूप हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पे है। जो 5 सदस्य पॉजिटिव पाए गए हैं उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है कि वो भी क्वारंटीन है? अनूप देखिए, जिनमें 5 लोगों में जो है कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है उनको जो है क्वारंटाइन कराने के लिए है, और डॉक्टर टीम है उनके लिए लगा दी गई है, जिसके बाद एहतियातन जो है सभी लोग को अलर्ट कर दिया गया है। और जिस तरह से ये लोग यहाँ पहुंचे थे, इनके संपर्क में जो जो लोग हैं सभी की जो है टेस्टिंग कराई गई है और सभी की रिपोर्ट जो है वो अभी आने बाकी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से लगातार जो है कोरोना संक्रमण जो है फैला था, अब बड़ी मुश्किल से जो है वो रोकथाम उसकी की जा सकती है। ऐसे में सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि तमाम जो एहतियात बरते जाएं, तो ऐसे में ये फिल्म शूटिंग वाले जो है जो फिल्म हुई यूनिट जो पहुंची हुई थी, आखिर क्यों इन्होंने एहतियात नहीं बरता? आखिर क्या इनकी जो एयरपोर्ट पे जो है टेस्टिंग क्यों नहीं कराई गई? जाहिर सी बात है कि ये जब राजधानी लखनऊ में दाखिल होकर होटलों में रुक गए और जब ये शूटिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है जांच के बाद जो है ये खुलासा हुआ कि 5 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि इनके संक्रमण में बाकी लोग जो आए या जिन होटलों में ये रुके हैं वहां भी जो है संक्रमण फैलने का खतरा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे कोई रात जो है एक्शन क्यों नहीं होता और क्यों जो है लगातार जो है जिम्मेदार लोग हैं वो भी लापरवाही बरत रहे हैं? अनूप, एक्शन क्या होगा? सरकार ने ही अनुमति दी है शूटिंग की, स्वाभाविक है, और जिम्मेदारी भी सरकार की है कि एयरपोर्ट पर जो लोग आए उनकी चेक किया जाए। तो एक्शन क्या होगा? सरकार ही तो अनुमति दे रही है इन्हें, ये ऐसे हवा में थोड़ी चले आए यहाँ शूटिंग करने के लिए। बाकायदा फिल्म बंधु के माध्यम से इन्होंने अनुमति ली होगी तब आए होंगे, और एयरपोर्ट पर भी इनकी चेकिंग की जानी थी लेकिन नहीं की गई, यानी लापरवाही हो रही है सरकार की तरफ से। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए अनूप कुमार आपका। यदि चेकिंग कराई जाती है और रिपोर्ट जो है वहीं पर सामने आ जाती तो बाकी जगह ये जाने से बच जाते हैं, और जो खतरा बढ़ रहा है कि बाकी लोग जो है संक्रमित हो सकते हैं, जो तमाम होटल हैं या उनमें जो लोग हैं जो स्टाफ होटल का, तो यही तो लापरवाही है कि आखिर क्यों लापरवाही लगातार बरती जा रही है। बहुत शुक्रिया अनूप एक बार फिर से आपका। आगे बढ़ते हैं, बिजनौर आपको लिए चलेंगे। बारिश से नदियों का जलस्तर